नमस्कार, मेरा नाम आशीष पाठक है। मैं प्राथमिक विद्यालय गौरा पे कार्यरत हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता अर्थशास्त्र विषय से परास्नातक व विधि से स्नातक है। मैं विद्यालय में पिछले 6 वर्षों से कार्यरत हूँ। मैं गाजीपुर जिले से हूँ और जैसा कि गाजीपुर जिले को शहीदों की धरती के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर अफीम फैक्ट्री भी है जहाँ पे भी अफीम रसायन का प्रयोग विभिन्न प्रकार की दवाइयों को बनाने में किया जाता है। मेरे विद्यालय में कुल 160 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें से सभी बच्चे ही ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि शैक्षणिक अधिगम को कैसे रोचक बनाया जाए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को कैसे रुचिकर बनाया जाए, क्लास के कक्षा के वातावरण को कैसे रुचिकर बनाया जाए। इसी दरमियान मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के जी कार्यक्रम के ऑनलाइन प्रशिक्षण से जुड़ा, जिसके माध्यम से मुझे विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक नवाचारों को जानने का मौका मिला, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को समझने का मौका मिला, जिन गतिविधियों को करके हम बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधार सकते हैं। विभिन्न प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज मुझे मिले, शून्य नवाचार के बारे में मैं जान पाया कि कैसे बच्चों के साथ प्रतीक चिन्हों का हम प्रयोग कर सकते हैं, कैसे बच्चों के साथ हम जिले का प्रयोग कर सकते हैं, उनको फलों के नामों से या स्थानीय मान ही हमें अगर बच्चे को बताना है तो उसको रुचिकर तरीके से बच्चे को सरलतर रूप में हम कैसे बता सकते हैं। इस प्रशिक्षण का मुझे बहुत ही फायदा मिला। श्री अरविंदो से सोसाइटी के प्रशिक्षक श्री अश्विनी जी का मुझे विशेष सहयोग मिला, जिन्होंने कि न केवल मेरे आइडियाज को सुना अपितु आइडियाज में जो भी कमियां थी उसमें उन्होंने सुधार किया, समय समय पर नए आइडियाज से मुझे परिचित कराया, जिससे कि मैं उन आइडियाज को बच्चों के बीच में प्रयोग कर पाया, बच्चों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मैं रुचिकर बना पाया। अब मेरा विद्यालय एक रोल विद्यालय है, बच्चे शैक्षणिक अधिगम प्रक्रिया में रुचि लेते हैं। मैं विभिन्न प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज का प्रयोग बच्चों के बीच में करता हूँ, क्लास का वातावरण अच्छा है, रुचिकर है, सारी गतिविधियाँ जो कि मैं ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से सीख पाया उनका मैं बच्चों में प्रयोग कर पाता हूँ। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी व HDFC बैंक का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने कि मुझे यह मंच प्रदान किया। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद।